बच्चों अब हमारा हिंदी का पीरियड शुरू हो चुका है। हम लोग चैप्टर 2 ढमक ढमक की चाल पढ़ रहे थे। उसका पेज नंबर 21 तक हम लोगों ने रीड कर लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं 22 पेज। ठीक है ताऊ जी, कोशिश करूँगा, कहता हुआ ढमक ढमक वहाँ से चला गया। तो जो बंदर था उसने एडवाइस दी ढमक ढमक को कि अपनी चाल सुधारो। तो ढमक ढमक ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। थोड़े दिनों तक तो उसने बिना आवाज़ किए चलने की कोशिश की, मगर जल्दी ही वह बुज़ुर्ग बंदर की बात भूल गया। एक बार क्या हुआ कि वह घने जंगल के बीच से जा रहा था, पास में ही एक शेर शिकार की तलाश में था। वह ढमक ढमक की चाल से समझ गया कि कोई मोटा ताज़ा शिकार आ रहा है। बस फिर क्या था, फौरन दौड़ पड़ा। तेज़ी से भागते हुए हिरन और चिड़िया की आवाज़ से ढमक ढमक समझ गया कि वहाँ पर बहुत खतरा नज़दीक है, इसलिए वह जान बचाने के लिए पास के खड़े मोटे तने वाले बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। तभी शेर वहाँ पर पहुँचा। ढमक ढमक को पेड़ पर चढ़ा देखकर बोला, वाह तुम्हारी तो चाल ने ही बता दिया कि तुम आसपास ही हो। कि ढमक ढमक की चाल बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी, इसलिए शेर को पता चल गया कि ढमक ढमक वहाँ पर है। ऐसे क्या बच जाओगे बच्चू? तो शेर ने कहा कि ऐसे क्या तुम बच जाओगे, कब तक पेड़ पर चढ़े रहोगे, कभी तो नीचे उतर रहोगे ही, मैं भी यहीं बैठा रहूँगा। कहते हुए शेर वहीं पर लेट गया। ढमक ढमक याद करने लगा कि अगर वह बंदर ताऊ जी की बात मान लेता तो कितना अच्छा होता, कि वो धीरे धीरे चलता, उसकी आवाज़ नहीं होती और शेर को पता नहीं चलता। अब उसे बड़ों की बात मानने का न मानने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। कि अब उसने बड़ों की उसकी बंदर की बात नहीं मानी, शेर उसके सामने आ गया और वो मुसीबत में फंस गया। अचानक जैसे उसके मन ने उससे कहा कि वह एक गलती तो बड़ों की बात न मानकर कर चुका है, अब दूसरी गलती हिम्मत हार कर रहा है। बस उसने हिम्मत से काम लेना शुरू किया। उसने ऊपर से बहुत सी डालियां तोड़कर शेर के ऊपर फेंकी, किंतु शेर टस से मस नहीं हुआ। कि शेर को छोटी छोटी टहनियों से क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी मार से थोड़ा ना डरेगा शेर, इसलिए उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तभी उसकी नज़र पास लगे मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी। ढमक ढमक ने दिमाग से काम लिया। उसने फौरन छत्ते को तोड़ा और शहद खाने लगा। उधर अपना घर टूट जाने के कारण मक्खियाँ आग बबूला हो उठी, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, वे ढमक ढमक पर टूट पड़ी, पर पूरे शरीर पर घने बाल होने के कारण वे उसका क्या बिगाड़ती। आखिर ढमक ढमक तो एक भालू था। उधर शेर खराटे लेकर मजे से सो रहा था। मधुमक्खियों को और कुछ नहीं सूझा तो वे शेर पर टूट पड़ी। उसने बचने के लिए बेचारे शेर को नानी याद आ गई। वह भागता रहा मगर मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उधर ढमक ढमक पेड़ से नीचे उतरा, धीरे धीरे सुरक्षित जगह की ओर चलने लगा। उसने तय किया कि अब वह बंदर ताऊ जी की बात मानकर हमेशा ऐसे ही चलेगा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हमें बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।